शाहजहांपुर में रेलवे से रास्ता ना मिलने पर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि वह वोट तभी देंगे जब उनके लिए रोड बनाकर रेलवे लाइन से रास्ता दिया जाएगा। दरअसल निगोही कस्बे को जोड़ने वाले एक रेलवे फाटक को रेलवे विभाग ने बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, रेलवे विभाग ने सड़क को भी काट दिया है। रेलवे द्वारा सड़क काटे जाने से इलाके के इनायतपुर, खिरिया, घनश्यामपुर, रुद्रपुर सहित लगभग एक दर्जन गांव के लोगों का कस्बे को जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ना ही उनकी फसल मंडी तक पहुंच पा रही है और ना ही बीमार लोग वक्त पर इलाज के लिए पहुंच पा रहे हैं। चुनाव के चलते अब इलाके के लोगों ने बंद सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि वह तभी वोट डालेंगे जब रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए उन्हें रास्ता दिया जाएगा और सड़क बनाकर दी जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। मेरा नाम सत्यपाल वर्मा है। यहाँ की निगोही की पब्लिक जो है बहुत परेशान है, और इनायतपुर, रुद्रपुर, खिरिया और हरकिशनपुर, घटुई 5, 6, 7, 8 गांव को निकास है। यहाँ ये रेल विभाग वालों, रेल प्रशासन ने हमारा रास्ता काट के इस तरीके से बंद कर दिया। बरसात में अगर यहाँ पे जल भराव होगा तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? हमारे मवेशी या जानवर हैं, ठीक है जी, मैं चारा लाऊंगा किससे? 2 किलोमीटर के दायरे में घूम के लाऊंगा मैं चारा। और आना जाना इतना प्रभावित हो गया यहाँ कि हम कोई लेडीज अगर बच्चे को लेके भी चढ़ती है तो वो चढ़ नहीं सकती है ना, अब बच्चे को लेके पैदल ही जाएगी, पैदल भी नहीं जा सकती है। आने जाने में बहुत मुश्किल। कल को रेलवे क्रॉसिंग वहाँ हम 2 किलोमीटर जाएंगे, रेलवे क्रॉसिंग अगर फाटक बंद हो गया तो हमारे बच्चे स्कूल आने जाने के लिए भी लेट हो जाएंगे। शिक्षा आज बढ़ावा दिया जाता है शिक्षा के लिए, लेकिन बच्चों 2 घंटा स्कूल जाएंगे, उनका पीरियड छूट जाएगा, सभी को मुश्किलें। हम किसी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हम वोट सपोर्ट जब ही करेंगे, मुझे रास्ता दो, रास्ता नहीं है तो वोट नहीं है, रास्ता दो वोट लो। हमारा रास्ता किस वजह से बंद किया गया, कोई भी मेरा प्रतिनिधि, कोई मेरा अधिकारी आए मुझसे बात करे, हमारा काम शुरू कराए, उसके बाद में मैं धरना से यहाँ से उठूँगा। अभी तक आज तक कोई नेता या कोई अधिकारी अभी तक आश्वासन किसी ने मुझे नहीं दिया है। मैं खन्ना जी के भी पास में कागज़ फाइल लेके गया हूँ, मैं DM के ऑफिस भी गया हूँ, 3 बार गया हूँ, लेकिन सबने आश्वासन हाँ हो जाएगा। आप फिर अगर DM साहब ने ये कहा अगर रेलवे वाले काट रहे हैं मिट्टी डाल के फिर चालू कर लो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो, उनका कानून अलग है, रेल विभाग कानून अलग है।